कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। तो इसके लिए हमने बैटर लिया है, ये बाजार से है। ये 2 पैकेट मैंने लिया था, 50 रुपीज का 1 पैकेट, और इससे हमने इडली बनानी है। तो इसको मैंने ये एक पतीले में निकाल लिया है। बनाने से 3-4 घंटे पहले आप निकाल लें और इसको थोड़ा बाहर ही पड़ा रहने दें, ताकि ये थोड़ा सा और का फर्मेंटेशन। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरे पास इडली स्टैंड है, इसको मैंने ग्रीसिंग कर लिए, ऑयलिंग कर लीजिए, ताकि इडली जो है वो चिपके ना। अब सारे स्टैंड में मैंने कर लिया है ऑयलिंग, और इसमें अब मैं डालूंगी, उतना बैटर डालेंगे जितना इसमें आ जाए, क्योंकि इडली फूलेगी भी। ऐसे करके हम डाल लेंगे। स्टैंड में डालते हुए ये ध्यान रखना है कि ये जो छेद हैं और ये जो नीचे इडली स्टैंड है, ये अल्टर करें। ये अब इसको स्टैंड को कुकर के अंदर रख दिया है, और ये जो ढक्कन है इसका, इसका वेट उतार के इसको बंद कर देंगे। इसका जो वेट है वो नहीं लगाना। तो अभी इसको हम फुल फ्लेम पे करेंगे और देखेंगे कि जब यहाँ से स्टीम निकलने लगेगी तब टाइम नोट कर लेंगे, और 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर फिर कुक करेंगे। ये एक दूसरा इडली स्टैंड है, तो इसमें भी हम बना लेते हैं, एक साथ दोनों बनाते हैं। इसमें भी हम थोड़ी सी ग्रीसिंग करेंगे और उसी तरह बैटर को इसमें डाल देंगे। देखिए अब स्टीम निकलने लग गई है, अब इसको हम सिम पे कर देंगे और टाइम नोट कर लेंगे, 15 मिनट के बाद जो है इसको खोलेंगे। अब ये देखिए, ये दूसरा बर्तन है इडली बर्तन, इसके लिए भी हमने स्टैंड तैयार कर लिया है, और इसको भी हम स्टैंड को इसके बर्तन के अंदर रख देंगे। इसमें भी गर्म पानी हो चुका है, अब हम इसमें रखते हैं और इसको बंद कर देंगे। और इसमें से भी जब 15 मिनट्स में के बाद खोलना है, और यहाँ से जब स्टीम निकलने लगेगी तब हमने लो फ्लेम कर देनी है। तो इस तरह हमारी एक साथ जो है 16 16 32 इडली बन जाएगी। ये देखिए, इसके लिए सांभर तैयार हो चुका है, और सांभर की वीडियो मैंने चैनल पे पहले डाली हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं इसकी रेसिपी।